एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के इस वीडियो में हम लव लैब की रॉयल हिपसिट बेबी करियर के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली एक बेबी करियर के बारे में बात करने वाले हैं। मेरी बेटी जो है वो अभी 7 मंथ की हो गई है, तो आई थिंक अभी ये राइट टाइम है कि हम एक बेबी करियर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी बच्चों का वेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अभी वो टाइमिंग है कि हम उसे गार्डन ले जा सकते हैं, बाहर घुमा सकते हैं, और एज ए मम्मा हमें हमारा खुद का ख्याल भी रखना है क्योंकि हमें बैक पेन ना हो जाए। तो मुझे ये परफेक्ट लगा। पिछले 15 दिनों से मैं इसका यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद ही आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, मैंने अपने पैसों से ही इसे परचेज किया है। तो जल्दी से देखते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है, कितने में मिला है और किन किन पोजीशन में हम इसे बच्चों को बिठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कलर्स की। तो यहाँ पर हमें 3 कलर्स मिल जाते हैं। तीनों ही कलर्स कुछ इस तरीके से हमें मिलते हैं, बट यहाँ पर पहले 2 जो कलर है उससे ज़्यादा मुझे 3रा कलर डिसेंट लगा, अच्छा लगा। वैसे वो तो अपनी अपनी चॉइस है कि हमें कौन सा चाहिए, बट मुझे ये वाला कलर सही लगा इसलिए मैंने वो वाला मंगवाया है। मुझे ये एक यूनिसेक्स कलर लगा क्योंकि इसे मैं और मेरा हस्बैंड दोनों ही कैरी कर सकते हैं। नाउ ये प्रोडक्ट की मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा वेलक्रो दिया गया है और ये जो बेल्ट बनाया गया है वो भी बहुत ही बड़ा बनाया गया है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इस तरीके से हम इसे पैक कर सकते हैं और साथ ही में ये बकल भी दिया है, तो इससे पूरा ही एक सपोर्ट मिल जाएगा हमारे वेस्ट एरिया के पास। तो एज ए मदर हमें बहुत जगह बाहर जाना होता है, तो पूरे दिन जब बेबी को कैरी करते हैं तो हमें यहाँ पीछे बैक पेन भी हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, वो ना हो इसी के लिए मैंने इसे ऑर्डर किया है क्योंकि इसमें हमारे दोनों ही हैंड्स जो है वो फ्री रहेंगे और साथ ही में बैक पेन का भी कोई इश्यू नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे का वेट जो है वो दोनों ही साइड थोड़ा डिवाइड हो जाएगा तो एक साइड पर पूरा ही वो उसका वेट नहीं आएगा। नाउ यहाँ पर अगर बैठने के लिए बात करूँ तो बहुत ही अच्छे से हिप शीट बनाई गई है और यहाँ पर थर्मोकोल का यूज हुआ है जिससे ये बहुत ही अच्छे से एक सीट की जैसा रहता है। खोल के भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर इस तरीके का थर्मोकोल है तो ये बहुत अच्छे से सीट बनाया गया है और हम इसे डिफरेंट डिफरेंट 4 तरीके से यूज कर सकते हैं। आगे मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, बट यहाँ पर एक इस तरीके का हमें मतलब एक पॉकेट मिल जाता है जिसमें हम हमारा मोबाइल रख सकते हैं या तो पैसे रख सकते हैं। अगर हम एज ए मदर गार्डन जाना चाहते हैं या तो कहीं अकेले ही जाना चाहते हैं, कोई हमारे साथ नहीं है, तो पर्स लेने का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहीं पर मोबाइल रख दीजिए, पैसे रख दीजिए, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा हमारे लिए। नाउ इसकी डिज़ाइन तो अच्छी है ही, बट यहाँ पर आप ये वाला जो पोर्शन है उसे अगर निकालना चाहे तो इस तरीके से इसे निकाल भी सकते हैं और वापस से लगा भी सकते हैं, बट मैं इसे ज़्यादातर लगा हुआ ही रखती हूँ क्योंकि मेरी बेटी इसमें इस तरीके से बैठ के बहुत ही खुश रहती है, तो मैंने इसे लगा कर रखा है। बट ये दोनों ही चीज़ें हैं, उसे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं और ये चेन भी यहाँ से आप खोल सकते हैं, तो ये पूरा ही ऊपर का जो पोर्शन है वो इस तरीके से निकल जाएगा। ये भी यहाँ से निकल सकता है, तो बहुत ही अच्छे से बनाया है इसे। मैं आपको एक बार निकाल के भी दिखा देती हूँ। यस, ये निकल गया है। तो अगर आप इसे इस तरीके से यूज़ करना चाहे तो सिर्फ इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ दूसरी अच्छी बात इसकी मुझे वो लगी कि यहाँ पर पीछे भी अच्छी तरीके से सपोर्ट दिया हुआ है, कि वापस से बीच में भी इस तरीके से सपोर्ट दिया है, आगे जो 2 है। एक बार मैं आपको डेमो भी करके दिखा दूंगी कि इसे हमें पहनना किस तरीके से है। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही यूज़फुल लगा। अगर आप इसके साथ जाना चाहें तो डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और मेरा कंफर्ट लेवल जो है वो बहुत ही सही है ये प्रोडक्ट के साथ। नाउ अगर बात करूँ तो हम इसे डिफरेंट डिफरेंट 4 तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम बच्चे को इनवर्ड फेसिंग बिठा सकते हैं, दूसरा हम उसे आउटवर्ड फेसिंग स्टाइल बिठा सकते हैं, और बाकी हम इसी को सीट स्टाइल बिठा सकते हैं। ऊपर का जो पोर्शन है उसे यूज़ नहीं करना है, बस इस सीट को ही यूज़ करना है। अब आपको देखना है कि आप उसे किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चे को इस तरीके से बिठाते हैं तो आप इस सीट का उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि इसे सिर्फ मम्मा नहीं पापा भी कैरी कर सकते हैं, तो मम्मा को भी थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाएगा। अगर मैं हमारी खुद की बात करूँ तो अभी मेरी बेटी को घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पूरे दिन तो ऐसा टाइम नहीं मिलता है, वीकेंड में हम मुझे ले जाते हैं, बट रोज रात को हम एक उसे
घुमाने ले जाते हैं, थोड़ा सा चलना भी हो जाता है और उसका घूमना फिरना भी हो जाता है। तो ज़्यादातर इसे मैं कैरी नहीं करती हूँ क्योंकि पूरे दिन मैं उसे देखती हूँ तो मैं भी थोड़ी सी बोर हो जाती हूँ। तो या तो मेरे हस्बैंड इसे कैरी करते हैं या तो इसके चाचू जो है वो उसे कैरी कर लेते हैं। वो वाली क्लिप भी आगे मैं आपको दिखाऊंगी जिससे आपको आइडिया लग जाए। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे मिला था, मैंने इसे ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था तो लिंक वगैरह भी मैं आपको दे दूंगी। ये है 2599 रुपीस का है, बट इसमें कुछ ना कुछ डील्स ऑफर्स चलती रहती है। तो अमेजोन पर आई थिंक मुझे ये 1799 अराउंड मिल गया था। लिंक मैं आपको दे दूंगी अगर आप भी यही वाला परचेज करना चाहे तो। नाउ लवलेप में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बट क्योंकि ये जो सीट का कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत ही सही लगा इसलिए मैंने ये वाला ऑर्डर किया है। अगर आप और कोई भी लेना चाहे तो जा सकते हैं, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ये वाली प्रोडक्ट के साथ बहुत ही सही रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ हमें दी गई है जो कि बहुत ही सही है और ब्रांड ने बहुत ही अच्छे से सोचा है, और वो है ये दोनों। ये इस तरीके से बीप दिए गए हैं क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उसे क्या होता है कि इसी टाइमिंग में इसकी टीथिंग प्रोसेस भी चल रही होती है, उसे दांत आने की जो प्रोसेस है वो भी चालू होती है। तो बच्चे सब कुछ ही मुंह में डालते हैं, मेरी बेटी तो ऐसा करती है, सब कुछ ही मुंह में डालती है। तो ये जब हम इसे यहाँ पर इस तरीके से बिठाएंगे तो यहाँ ये दोनों जो पोर्शन है वहाँ पर हमें ये बीप को इस तरीके से लगा देना है। मैं पूरा जब पहनूंगी तभी आपको करके दिखाऊंगी, बट एक बार यहाँ पर भी दिखा देती हूँ। तो ये दो जो स्टैंड है वहाँ पर हमें ये जो है वो इस तरीके से लगा देना है। और सबसे अच्छी बात कि ये जो है वो हम वापस से वॉश भी कर सकते हैं, इसे साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे इसे मुंह में डालेंगे तो डेफिनेटली ये ख़राब होगा। तो इसे हम वापस से मतलब साफ़ करके वापस से रख सकते हैं। तो ब्रांड ने ये भी अच्छी चीज़ सोची है, हाइजीन पर्पज़ के बारे में सोचा है कि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसका कम्फर्ट लेवल अच्छे से देखा गया है। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही सही लगी। और यहाँ पर अगर कैपेसिटी की बात करूँ कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो इसकी कैपेसिटी भी आई थिंक 12 केजी की थी या उससे ज़्यादा थी, मैं एक बार आपको देख के बताती हूँ। यस, अब एक और चीज़ है कि हम इसे अच्छे से धो के भी साफ करके भी रख सकते हैं, और बस इसे ड्रायर वगैरह में नहीं डालना है, अपने हाथ से ही अच्छे से इसे हम साफ कर सकते हैं। इसे हमें मतलब इस्त्री वगैरह नहीं करना है, बट यस ये गंदा हो जाए तो हम इसे डेफिनेटली अच्छे से साफ कर सकते हैं। तो यहाँ का एक पैडेड वेस्ट बेल्ट और ये सब कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया। और अगर एक वेट की बात करो तो यहाँ पर कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है, बट इसकी वेट की कैपेसिटी भी एक बार मैं आपको बता दूंगी, स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। सबसे अच्छी बात कि हम यस यहाँ पर लिखा हुआ है ये 15 केजी तक के बच्चों के लिए सही है। अगर बच्चा 15 केजी तक का हो जाता है फिर भी हम इसे इसमें कैरी कर सकते हैं, और तब तक तो बच्चा मतलब चलना भी सीख जाएगा, तो कोई बात नहीं। 15 केजी एक अच्छी कैपेसिटी दी गई है वेट की भी। और सबसे अच्छी बात ममा के लिए कि हमें पीछे बैक में करोड़रज्जू जो स्पाइन बोलते हैं उसका कोई भी इश्यू इससे नहीं आएगा, बहुत ही अच्छा सपोर्ट हमें इससे मिल जाएगा। तो आप भी मेरी ही तरह नई ममा है तो आप अपने लिस्ट में ये वाले जो प्रोडक्ट है उसे ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। तो मेरी ओर से बिग थम्स अप है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे किस तरीके से पहनना है, और मतलब पहनने के बाद ये स्टाइलिश भी दिखता है और साथ ही में हमारा कम्फर्ट लेवल भी देता है। बात बताना मैं भूल गई थी, साथ ही में हमें एक ऐसा मैनुअल भी मिल जाता है, और यहाँ पर मेंशन किया है कि ये जो है वो 4-in-1 है, और साथ ही में ये 3.6 केजी से 15 केजी के बच्चों के लिए एकदम ही परफेक्ट है। तो आई थिंक हमें ये जो यूज़ करना है वो 6 मंथ के बाद ही यूज़ करना है, क्योंकि 6 मंथ के बाद क्या है कि बच्चे थोड़े से मतलब स्टेबल हो जाते हैं, उसका जो हेड होता है वो स्टेबल हो जाता है, उसका वेट थोड़ा सा सही हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि जब न्यूबॉर्न होता है या थोड़े छोटे बच्चे होते हैं
तब हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं तो यूज़ नहीं कर रही हूँ, मेरे ऐसा मानना है कि बच्चे जब 5 या 6 मंथ के हो जाए उसके बाद ही हमें इस तरीके का जो रहता है बेबी कैरियर वो यूज़ करना चाहिए। तो बस ये बात थोड़ा सा बताना भूल गई थी, तो बीच में ये क्लिप ऐड कर रही हूँ। अभी आप इस तरीके से ये पहन सकते हैं और यहाँ पर बेबी को बिठा सकते हैं। अभी मेरी बेटी बाहर गई है दादी माँ के साथ घूमने, तो बच्चे को आप मतलब आगे बिठा सकते हैं और पीछे भी बिठा सकते हैं, एज अ सीट इसे यूज़ कर सकते हैं। और बाकी का जो पोर्शन है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से पहनना है, क्या करना है, बट इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक खिलौना रख के दिखा देती हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो ये आ गई है और मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप इसे पहले तो इस तरीके से बिठा सकते हैं, कहीं पे बाहर जाना चाहते हैं तो इस तरीके से बच्चे को बाहर ले जा सकते हैं। और मेरी बेटी को ये पोजीशन ही सबसे अच्छी लगती है क्योंकि उसके बाहर का सब कुछ ही दिखता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो बच्चे को ऐसे भी बिठा सकते हैं अपनी साइड, ऐसे तो ऐसे भी बच्चा अपनी साइड अच्छे से कैरी हो जाएगा। तो इसे इनवर्ट साइड बोलते हैं और अभी जो दिखाया वो आउटवर्ड साइड थी। और साथ ही में कोई कोई माएँ जो होती है वो बच्चे को इस तरीके से भी लेना प्रेफर करती है, इस तरीके से साइड में, तो आप इस तरीके से भी ले सकती है। ये भी एक थर्ड पोजीशन है, इसमें बच्चा अच्छे से इस तरीके से बैठ जाएगा। और अब बाकी की दो जो स्टाइल है वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से बैठना है। तो आगे देखते हैं बाकी की दो स्टाइल। अब ये जो बच्चा है वो हमें किस तरीके से लगाना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो वापस से मुझे ये थोड़ा चेन है उसे पैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत ही सही से दिया है, आप इस चेन को इस तरीके से पैक कर दीजिए। हो गया है। उसके बाद ये जो दो है उसे हमें इस तरीके से पहन लेना है। और अब मैं अपनी बेटी को लेके दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से करना है। तो यस, इसे हमें यहाँ पर पैर, एक पैर यहाँ पर आएगा और दूसरा जो पैर है वो यहाँ पर आएगा इस तरीके से। और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है उसे हमें इस तरीके से, ये जो है वो यहाँ का है तो यहाँ पर इसे इस तरीके से लगा दीजिए और इसका फिटिंग देख लीजिए। और ये जो दूसरा है वो यहाँ पर लगाकर इसका फिटिंग देख लीजिए। तो ये इस तरीके से बहुत ही अच्छे से, ये अच्छे से इस तरीके से देख सकती है सब कुछ। और मैं जिस बीप की बात कर रही थी वो हमें यहाँ पर रखना है इस तरीके से। और दूसरा वाला भी हमें यहाँ पर रखना है जिससे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये इस तरीके से हम बच्चे को ले सकते हैं गोदी में। और यहाँ पर पीछे जो बकल दिया गया है वो भी बहुत ही सही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से सपोर्ट दिया है जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनवर्ट फेसिंग में भी बिठा सकते हैं, बच्चा अगर ज़्यादा नींद में आ गया है तो हम इस तरीके से लेकर चल सकते हैं। ये भी थोड़ी सी नींद में ही आ गई है, तो बस इस तरीके से हम बच्चे को कैरी कर सकते हैं। और ये है सारी डिफरेंट पोजिशन।